नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बैठक करके पूरी कांग्रेस को ही बिठा दिया है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस खड़े होने की स्थिति में नहीं है। चुनाव में ही कमलनाथ जी को जनता की याद आती है और वह चुनावी पर्यटन पर निकलने लगते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के भ्रम जाल में नहीं आने वाली है। जनता की सेवा के ट्विटर तक ही सीमित रहने से कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो रही है। गृह मंत्री ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वयोवृद्ध प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वयोवृद्ध नेताओं के बारे में जो भी कहा है उस पर कांग्रेस के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ही निर्णय ले सकते हैं। देखो, जेपी अग्रवाल जी वयोवृद्ध नेता है, अनुभवी नेता है। अब उन्होंने अगर दोनों को कह दिया है, दोनों वयोवृद्ध नेताओं के बारे में माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है, तो अब ये निर्णय तो वयोवृद्ध नेता खड़गे जी ही करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब क्लास जो आज कमलनाथ जी लेने वाले हैं, कल जेपी वयोवृद्ध जेपी अग्रवाल जी ने उनकी क्लास ले ली है। तो कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि हमने नदियों के शुद्धिकरण के लिए आई थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद ठंडे बस्ते में नर्मदा ताप्ती और दूसरी नदियों को लेकर दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं और अब ये ट्वीट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं, जनता के बीच कोई है ही नहीं। ट्विटर के माध्यम से सेवा करने की इनकी अब उपयोगिता समाप्त। विकास यात्रा नहीं, कमलनाथ संदेश यात्रा देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं, चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है और इसलिए आप तय मान के चलिए कि इनका कुछ नहीं होना है। खबर समीक्षक के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।